सभा स्थापन, एक शालादि भवन से निर्माण आदि की विधि, गृह प्रवेश का क्रम तथा गोमाता से अभ्युदय के लिए प्रार्थना। श्री भगवान बोले, अब मैं सभा, देव मंदिर आदि के स्थापना का विषय बतलाऊंगा तथा इन सबकी प्रवृत्ति के विषय में भी कुछ कहूंगा। भूमि की परीक्षा करके वहां वास्तु देवता का पूजन करें। अपने इच्छा के अनुसार देवसभा मंदिर का निर्माण करके अपनी ही रुचि के अनुकूल देवताओं की स्थापना करें। नगर के चौराहे पर अथवा ग्राम आदि में सभा का निर्माण करावे, सुने स्थान में नहीं। देवसभा का निर्माण एवं स्थापना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित होकर अपने समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस विधि से भगवान श्री हरि के सतमहले मंदिर का निर्माण करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे राजाओं के प्रासाद बनाए जाते हैं। अन्य देवताओं के लिए भी यही बात है। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से जो दज आदि आय होते हैं, उनमें से कोण दिशाओं में स्थित आयों को त्याग देना चाहिए। 4-3-2 अथवा एक शाला का ग्रह बनावे जहाँ व्यय ऋण अधिक हो, ऐसे पद पर घर न बनावे क्योंकि वो व्यय रूपी दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अधिक आय होने पर भी पीड़ा की संभावना रहती है, अतः आय व्यय को समभाव से संतुलित करके रखें। घर की लंबाई और चौड़ाई जितने हाथ की हो, उसके परस्पर गुणित करने से जो संख्या होती हो, उसे कर राशि कहा गया है। उसे गर्गाचार्य की बताई हुई ज्योतिष विद्या में प्रवीण गुरु पुरोहित 8 गुना करे। फिर 7 से भाग देने पर शेष के अनुसार वार का निश्चय होता है और 8 से भाग देने पर जो शेष होता है वो व्यय माना गया है। अथवा विद्वान पुरुष कर राशि में 7 से गुणा करके फिर उस गुणनफल में 8 से भाग देकर शेष के अनुसार ध्वजादि आयु की कल्पना करे। ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, गज, हाथी और श्वानक्ष, काक, ये क्रमशः 8 अय कहे गए हैं जो पूर्वादि दिशाओं में प्रकट होते हैं। इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिए। 3 शालाओं से युक्त ग्रह के अनेक भेदों में से 3 प्रारंभिक भेद उत्तम माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशा में अन्य ग्रह से युक्त 2 शालाओं वाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण दिशा में अनेक या एक शाला वाला ग्रह भी उत्तम है। दक्षिण पश्चिम में भी एक शाला वाला ग्रह श्रेष्ठ होता है। एक शाला वाले ग्रह के जो प्रथम, ध्रुव और धान्य नामक 2 भेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार ग्रह के 16 भेदों में से अधिकांश अर्थात 10 उत्तम हैं और शेष 6 अर्थात 5वां, 10वां, 9वां, 11वां, 13वां और 14वां भेद भयावह है। 4 शाला या द्वार वाला ग्रह सदा उत्तम है, वो सभी दोषों से रहित है। देवता के लिए 1 मंजिल से लेकर 7 मंजिल तक का मंदिर बनावे जो द्वार वेधादि दोष तथा पुराने सामान से रहित हो। उसे सदा मानव समुदाय के लिए कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा विधि के अनुसार स्थापित करें। गृह प्रवेश करने वाले गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके पवित्र हो, दैवज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मधुर अन्न मीठे पकवान भोजन करावे, फिर उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर गाय के पीठ पर हाथ रखें एवं पूर्ण कलश आदि से सुशोभित तोरण युक्त गृह में प्रवेश करें। घर में जाकर एकाग्र चित्त हो गौ के सम्मुख हाथ जोड़कर ये पुष्टिकारक मंत्र पढ़ें। श्री ओम श्री वशिष्ठ जी के द्वारा लालित पालित नंदे, धन और संतान देकर मेरा आनंद बढ़ाओ। प्रजा को विजय दिलाने वाली भार्गव नंदिनी जय, तुम मुझे धन और संपत्ति से आनंदित करो। अंगिरा की पुत्री पूर्णे, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, मुझे पूर्ण काम बना दो। काश्यप कुमारी भद्रे, तुम मेरी बुद्धि को कल्याणमयी बना दो। सबको आनंद प्रदान करने वाली वशिष्ठ नंदिनी नंदे, तुम समस्त बीजों और औषधियों से युक्त तथा संपूर्ण रत्न औषधियों से संपन्न होकर इस सुंदर घर में सदा आनंद पूर्वक रहो। कश्यप प्रजापति की पुत्री देवी भद्रे, तुम सर्वथा सुंदर हो, महति महत्ता से युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाली हो, अतः मेरे घर में आनंद पूर्वक निवास करो। देवी भार्गवी जय, सर्वश्रेष्ठ आचार्य चरणों ने तुम्हारा पूजन किया है। तुम चंदन और पुष्पमाला से अलंकृत हो तथा संसार के समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली हो, तुम मेरे घर में आनंद पूर्वक निवास करो। अंगिरा मुनि की पुत्री पूर्णे, तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो, इष्ट के देवी, तुम मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करो, मैं तुम्हारी इस घर में प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवी तुम देश के स्वामी, राजा, ग्राम या नगर के स्वामी तथा गृह स्वामी पर भी अनुग्रह करने वाली हो। मेरे घर में जन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय भैंस आदि पशुओं की वृद्धि करने वाली बनो।